चुरू जिला जेल की सुरक्षा में सेंध, जेल के बैरिक एक से मिले 2 मोबाइल, 3 सिम और चार्जर। प्रदेश की दौसा जेल से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब चुरू जिला जेल में हार्डकोर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम आदि बरामद हुए हैं। यहाँ SP जय यादव की अगुवाई में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। करीब 2.5 घंटे चले इस सर्च अभियान में जेल के बैरिक संख्या 1 से 2 मोबाइल, 3 सिम और 1 चार्जर मिला है। जेल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए इन मोबाइलों को करीब 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर छिपाया गया था और सिम हार्डकोर बदमाशों ने अपनी जींस की जिप के पास कपड़ा काटकर छिपा रखी थी। पुलिस ने मोबाइल, सिम और चार्जर जब्त करते हुए जेल में हत्या के अलग अलग मामलों में बंद आरोपी राजगढ़ के अनिल पंडित, हरियाणा के नवीन, सातड़ा गाँव के किशन, चूरू के आदिल व दूधवा खरा के रामस्वरूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। SP जय यादव ने बताया कि चूरू जिला कारागृह में SDM ब्रिजेंद्र सिंह, ASP लोकेंद्र दादरवाल, DSP सुनील झाझड़िया सहित करीब 100 पुलिस के जवानों ने औचक सर्च अभियान चलाया। करीब 2.5 घंटे तक जेल में बैरिक और बंदियों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान बैरिक संख्या 1 में राजगढ़ के अनिल पंडित के पास से 1 सिम, हरियाणा के नवीन के पास से 1 मोबाइल, सातड़ा गांव के किशन के पास चार्जर, चूरू के आदिल के पास से 2 सिम व 1 मोबाइल मिला है। आदिल को ये मोबाइल व सिम दूधवाखारा के रामस्वरूप ने दी थी। उन्होंने बताया कि मोबाइल व सिम इत्यादि जेल के बाहर किसी ने फेंके थे। मोबाइल और सिम शातिर तरीके से छुपाए गए थे। करीब 1 फीट का गड्ढा खोदकर मोबाइल रखे गए थे और सिम जींस पैंट की जिप के पास कपड़ा काटकर छुपाई गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जेल के बाहर से मोबाइल और सिम इत्यादि किसके द्वारा फेंके गए। आकस्मिक चेकिंग जो थी जेल की रखी गई थी, जिसके अंदर हमारे SDM साहब और HNSP और CO SHO बुलाए हुए थे थानों को, और 100 से ज़्यादा जाप्ता था जिन्होंने सघन तलाशी ली गई जेल के अंदर। तो उसके अंदर 2 मोबाइल मिले हैं, 3 सिम मिली है और चार्जर मिला है। और ये मोबाइल उन्होंने बड़े शातिर तरीके से 1 फीट गड्ढे के अंदर छुपा रखे थे, और जो सिम थी वो भी बड़े चलाकी से जींस की जो जिप होती है उसके अंदर छेद करके बड़े चलाकी छुपा रखी थी। पुलिस की सघन तलाशी से जेल जो जेल का जाप्ता उसके साथ करी गई तो ये मिला। इसमें हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे सख्त कार्रवाई करी जाएगी कि मोबाइल आए कैसे। जैसे प्रारंभिक जांच में आ रहा है कि मोबाइल बाहर से फेंके गए थे, तो किसने फेंके, कैसे फेंके, उसके